भारतीय मूल की स्नेहा गुप्ता ने अमेरिका में लहराया तिरंगा, जीता मिस वर्ल्ड अमेरिका जॉर्जिया खिताब। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा तहसील के निवासी महेश बिलैया अशोक बिलैया नावली बालू की नातिन इंजीनियर अविनाश गुप्ता पूजा गुप्ता को 1995 में अमेरिका चले गए। उनकी पुत्री कुमारी स्नेहा गुप्ता बिलैया ने मिस वर्ल्ड अमेरिका जॉर्जिंग 2023 का खिताब जीत कर भारत का नाम रोशन किया। स्नेहा के सम्मान में शुक्रवार की देर शाम नगर के प्रसिद्ध कनकने होटल के सभागार में एक भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काव्यत्री आईटीबीपी हवा अंजलि खत्री रही। अध्यक्षता 84 क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर शिव शंकर सेठ, विशिष्ट अतिथि गहोई समाज अध्यक्ष द्वारिका नीखरा, गहोई मंडल अध्यक्ष श्वेता नगरिया, ओम प्रकाश बिलैया मंचासीन रहे। सभी ने कुमारी स्नेहा गुप्ता बिलैया का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के कार्यकारी सुरेश बंधु, भोगीलाल बिलैया, विनोद सेठ, नरेंद्र तिवारी, विनीत जैन, संजय बिलैया, गहोई नव युवक मंडल अध्यक्ष रानू बिलैया सहित नगर के गणमान्य नागरिक व पत्रकार गण सहित प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रबोध भारती ने किया। भारत मेरी पहली पसंद, स्नेहा ने अपने व्यक्तित्व में बताया कि भले ही मेरा जन्म व लालन पालन अमेरिका में हुआ, लेकिन मेरे दादा दादी और यहाँ के लोगों का प्यार मुझे बार बार करैरा की ओर खींच लाता है। यही कारण है कि भारत मेरी पहली पसंद हो सकता है। अमेरिका में धन वैभव संपन्नता अधिक हो, लेकिन निश्चल प्रेम जो भारत में मिलता है वह दुनिया में कहीं नहीं। देखिए अतिथियों ने क्या कहा, संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ी सी इंग्लिश तो होगी, पर आप सब लोग कैसे हो? आप लोगों का प्यार, ब्लेसिंग्स, आई एम सो सो हैप्पी एंड आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, बट बस थैंक यू सो सो मच। मेरी मम्मी और पापा ने जो भी किया, दादा और दादी से सीखा, और मेरे दे इंस्टिल्ड इन मी, एंड आई जस्ट सो इमोशनल। थैंक यू सो मच। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज मेरे मन की एक भ्रांति और दूर हुई। कई घटनाएं सुन के लगता था कि लोग विदेश जाते हैं तो वहीं क्यों कर रह जाते हैं, लेकिन स्नेहा के मम्मी पापा को देख करके मुझे कहीं नहीं लगता कि ये यूएसए में रहते हैं। मुझे ये लगता है ये करैरा में रहते हैं और करैरा के ही निवासी हैं। मैं उनकी संस्कृति से इन्होंने हमेशा प्यार रखा जो इन्होंने किया, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और स्नेहा ने जो आज सफलता प्राप्त की है, समाज में बहुत ही कम लोग लीक से अटके रहते हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में हमारे दादाजी ने बहुत नाम रोशन किया, आज दादाजी हम लोग सब पूछते हैं। बॉलीवुड में हमारे आशुतोष राणा जी हैं, और इस क्षेत्र में हमारी स्नेहा ने आज कीर्तिमान स्थापित किया है। मेरी मन की बात मुख्य अतिथि महोदया ने छीन ली, मिस यूनिवर्स जरूर बनेगी, यहाँ आएंगी, हम उनका और भव्य स्वागत करेंगे। और साहित्य के क्षेत्र में अगला कदम हमारे भारती जी के लिए भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जिसने प्रयास नहीं किया। स्नेहा आपने बहुत प्रयास किया और समाज का नाम रोशन किया, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं क्षेत्र की ओर से, 84 क्षेत्र की ओर से, और हमारे सभी, और चूंकि बिलैया परिवार को तो हम भूल ही नहीं सकते, वहां हमारी ससुराल है, तो बिलैया परिवार की आपको आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अवसर प्रदान किया कि मैं इसका हिस्सा बन सकूं, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। यह समारोह सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, इस प्रदेश के लिए भी नहीं, इस देश के लिए एक गौरव का क्षण है कि कि हमारे देश की एक बेटी, हमारे मूल से निकली हुई हमारी एक छोटी सी चिड़िया आज पूरे विश्व के आकाश में उड़ान भर रही है। और उनकी यह उड़ान
उनकी हैं उपलब्धियां। हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, हमारे लिए एक महिला शक्ति का संदेश भी देती हैं। क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार से हूं और सैनिक परिवारों के लिए एक एनजीओ जो काम करती है, हिम्बिर वेलफेयर वाइफ्स एसोसिएशन, मैं उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, उस नाते मुझे स्नेहा गुप्ता जी की ये उपलब्धि में भी एक नारी शक्ति का संदेश नजर आता है और इनकी इस उपलब्धि से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें अपनी बेटियों के, अपनी नन्ही सी परियों के सिर्फ पंख खोलने की आवश्यकता है, उड़ान तो वो स्वयं भर लें, उन्हें कोई विशेष आरक्षण या संरक्षण की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है उन्हें समानता देने की, समानता आर्थिक ही नहीं मानसिक भी, उनको मानसिक रूप से इतना सशक्त बनाएं हम कि वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं हर कंधे से आगे निकले, हर ऊंचाई में ऊपर नजर आए। उन्होंने यूएस में रहके उस देश के प्रति तो अपना कर्तव्य निभाया, नमक का कर्ज वहां तो चुकाया पर यहां माटी का कर्ज भी उन्होंने चुकाया। आज यहां इस इतनी उपलब्धियों के बावजूद छोटी सी उम्र से, टीन एज से उन्होंने जो हासिल की उपलब्धियां, इतनी सारी, इतने सारे ब्यूटी पंचेंस उन्होंने जीते, उसके बाद आज यहां करेरा में उपस्थिति हमें ये एहसास दिलाती है कि परिवार ने कितने अच्छे संस्कार स्नेहा में डाले और स्नेहा ने भी उन संस्कारों को कितने प्यार से ग्रहण, स्नेह से ग्रहण किया। और ये सब विदेशों में रहने वाले ये हर एक भारतीय के लिए एक उदाहरण भी है। और इसके साथ ही मैं हवा परिवार आईटीबीपी की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से इस अद्वितीय सुपुत्री को आशीर्वाद देती हूँ और साथ ही साथ इनकी सराहना भी करती हूँ कि इन्होंने छोटी सी उम्र में देश का, जिस देश में रहती हैं और जिस देश को बिलोंग करती हैं, दोनों का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। और हम आशा करते हैं कि आप मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीतें। इस कार्यक्रम में बिटिया स्नेह ने स्नेहमय वातावरण बना दिया है। इस सभागार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सभागार में हुआ अच्छा रहा, स्वागत योग्य है, लेकिन इस करेरा के किसी भव्य और बड़े हॉल में होना था और चार चांद इसमें लगे हैं, इसमें हजारों चांद भी लग सकते थे। अब थोड़ा सा समय अभाव है, मुझे पता है विचार जाना आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विलैया परिवार करेरा और संपूर्ण क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हुए हैं, बिटिया ने एक क्षितिज को पार करते हुए और अमेरिका में जाकर के करेरा सहित संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं बिटिया को देता हूं। लेकिन एक गर्व का विषय यह है कि हमें, यानी बिटिया परिवार को, अपना भारत लौट के याद आया। जिस प्रकार से भगवान राम जो है जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी तो एक शब्द उन्होंने कहा था कि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रुचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसि। हम अपना आर्थिक उन्नति करते जाएं, बौद्धिक उन्नति करते जाएं, लेकिन हम अपने संस्कारों में जुड़े हुए हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है।
यही मैं बिटिया से कहूंगा कि अपने देश को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने संस्कारों को कभी ना भूलें। उत्तरोत्तर आप उन्नति करते रहें, यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। कुमारी स्नेहा लिया, वास्तव में इस प्रगति को पाकर गहोई वैसे समाज धन्य है। कीर्ति से श्री बापूजी ज्वाला प्रसाद जी बलैया का कोई पुण्य प्रताप ये रहा कि उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ गहोई वैश्य समाज का और देश का नाम रोशन किया। आज का केंद्र बिंदु जैसे पूरे पृथ्वी है विश्व की, उसका केंद्र बिंदु उज्जैन का महाकाल मंदिर है। पूरे भारत का समय का केंद्र बिंदु इलाहाबाद का प्लेस है। अगर कहीं की गणना होती है, हमारी भारत भूमि इतनी बड़ी है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय होगा, लेकिन अगर इससे कोई विचलित ना हो तो केंद्र बिंदु जो इलाहाबाद है वो हमारा समय का केंद्र बिंदु है। आज इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु कुमारी स्नेहा है हमारी, और इसमें भी जो बड़ी चीज है, तीन मातृशक्ति इधर हैं, पुरुष मंच पर तीन पुरुष उधर हैं। मातृशक्ति में अगर तीन मातृशक्ति कहीं है तो ये तीन देवियां ऐसी हैं कि 36 करोड़ देवता जो अगर होते नहीं उनके बराबर बैठती हैं। मैं मंच को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते स्वागत वंदन कुमारी स्नेह का करता हूँ। निश्चित रूप से इसी तरह से आगे भी प्रगति करें, हमारा हमारे समाज का नाम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मतलब as soon as हम जैसे कार से उतरे तो स्नेहा मतलब इतनी खुश हुई कि मम्मा बहुत बहुत खुश हुई। हम लोगों मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि आज हम इतनी दूर होके भी आप लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। बहुत बहुत, 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 बहुत